हेलो गाइस, तो आज मैं थोड़े से माइनिंग पे गई थी जहाँ मुझे 3 डायमंड और थोड़े से गोल्ड और रेड स्टोन मिले। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं आयरन फार्म बनाती हूँ। सो आयरन फार्म बनाने के लिए 5x5 का स्पेस डिक कर लेना होता है। उसके बाद वहाँ से नीचे 7 या 8 ब्लॉक डिक करना होता है, ऊपर वाले को छोड़। फिर मैंने सोचा था कि मैं सर्वाइवल मोड पर ये करूँगी, तो मैं पहले फार्मिंग कर लेती हूँ ताकि उससे मैं वीट उगाऊँ और शीप, हाँ शीप को लेके आओ, क्योंकि शीप से हमें बेड बनानी है। हमें 20 बेड्स बनाने थे, तो मैंने सब शीट को खिला पिला कर यहाँ बड़ा करके एक शीयर बना लिया और उससे मैंने सारे शीप के ऊल ले लिए। बगल वाले विलेज से मैं 2 ब्लेजर लेके आ गई थी, इसी के मुझे 20 ब्लेजर्स करने थे। अब सारे शीप से हमने वूल निकाल के सारे बेड बना लिए। अब जहाँ हम लोगों ने डिक किया था वहाँ नीचे जाकर 2 ब्लॉक आगे को डिक करना था, उसके बाद 2 ब्लॉक छोड़ के बेड लगानी थी, जैसे मैं लगा रही हूँ, 1 नहीं 2 ब्लॉक छोड़कर। हाँ, उसके बाद 20 बेड को ऐसे लगा देना है, आप देख सकते हो, वीडियो में देख लो, और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मत करना। बीच में 1 ब्लॉक का स्पेस छोड़कर 2 बेड लगानी है, जैसे कंफर्टेबल हो लगा लेना। उसके बाद इसको पूरा यहाँ से ढक लेना, जैसे मैं ढक रही हूँ, देख लो। फिर उसके बाद हमें बनाई है फ्लेचिंग टेबल। तो मुझे लगा था कि आयरन से बनती है, बट वो बनती थी फ्लिंट से। तो मेरे पास जितने भी ग्रेवल थे उसको मैंने घर में मुक्के मार के तोड़ के फ्लिंट निकालने की कोशिश की, कुछ निकले, तो मैंने उसके फ्लेचिंग टेबल बनाई। फिर मैं जाके ग्रेवल लेके आई, फिर घर में मैंने उस पर मुक्के मार मार के फ्लिंट निकाले। फिर फ्लेचिंग टेबल मेरा 20 रेडी था, मैं 20 चाहिए था। तो यहाँ पे जैसे मैं डिक कर रही हूँ वैसे डिक करके 20 फ्लेचिंग टेबल लगा देने हैं, जिसमें 2 साइड 6-6 लगाने और 2 साइड 4-4 लगाने, जैसे मैंने लगाया, आप देख लो। फिर इसमें ब्लेजर को मैंने डाल दिया है। अब ये वाला सर्वाइवल मोड है, तो इसमें बहुत मेहनत चाहिए। तो आप सारा फूड लेके आ जाओ और इन विलेजर को दे दो। यहाँ देखो, विलेजर का बच्चा आ गया है। आपको ऐसे ही 20 विलेजर्स कर लेने हैं, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। उसके बाद बीच में एक लाइट लगा के इसको पूरा कवर कर देनी है। देखिए, जैसे ही मैंने कवर किया वैसे ही आयरन गोलम स्पॉन होने लगे। फिर जहाँ तक पानी रुकता है वहाँ तक तो आप लोग पिक कर लीजिए और फिर इसको 2 हाइट का कर दीजिए। और यहाँ मैंने 2 बार आयरन गोलम से मार खाई है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे कि लग रहा था कि इन्हें पता चल गया मैंने मारने की प्लानिंग कर रही हूँ। फिर यहाँ बीच में स्टोन लगाकर आप लोग चेक कर लीजिए पानी कहाँ रुक रहा है, वहाँ पे थोड़ा डिक कर लीजिए। फिर नीचे हॉपर लगाकर आप चेस्ट के साथ कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ आयरन गोलम मुझे ऐसे देख रहा था जैसे इन्हें पता चल गया मैंने मारने वाली हूँ। फिर चेस्ट के ऊपर जो डर्ट ब्लॉक है वहाँ आप लोग एक स्लैब लगा लीजिए। फिर स्लैब के ऊपर एक साइन बोर्ड और साइड में 2 साइन बोर्ड, जैसे मैंने लगाए। स्टोन लगाइए, उसके ऊपर फेंस लगा दीजिए जैसे मैंने किया है। उसके बाद उस स्टोन को तोड़ दीजिए, ऊपर से लावा डाल दीजिए और वाटर डाल दीजिए। अब धीरे धीरे देखिए आयरन गोलम यहाँ स्पॉन होंगे और इसके साथ साथ कैट भी स्पॉन हो रहे थे। और यहाँ पे आप 15 मिनट के लिए AFK होंगे ना, तो आपको बहुत सारे आयरन मिल जाएंगे, 3-4 स्टैक। और कभी कभी लेट आते हैं आयरन गोलम, तो घबराओ मत। मैं यहाँ 1 मिनट AFK थी तो मुझे 40 मिल गए, तो आप सोच ही सकते हो। और क्या बनाओ, मुझे सजेस्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।